नमस्कार दोस्तों, दैनिक एजुकेशन में फिर से आपका स्वागत है। यूएफबीयू ट्रीट्स बीपीएस, मतलब यूएफबीयू चाहते हैं जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट में है वो हो जाना चाहिए। जो 11 बाइपार्टाइट का इशू है उसका जो जो पेंडिंग इशू है उसको सॉल्व नहीं करते हुए 12 बाइपार्टाइट चाहते हैं, और एम्प्लॉयज को 4% लेवी भी देना होगा यूएफबीयू को, और 6 मंथ के बाद भी यूएफबीयू और आईबीए मिलके जो पेंशन अपडेशन और अदर इशू है उसको सॉल्व नहीं कर पाए। उसके साथ साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस हुए, यूएफबीयू आईबीए के साथ मुलाकात हुए, लेकिन आज तक कोई भी इशू सॉल्व नहीं हुआ। ऑनरेबल एफएम ने फैमिली पेंशन का इशू तो सॉल्व कर दिए, लेकिन जो 11 बाइपार्टाइट का अदर इश्यूज है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। मीटिंग पे मीटिंग हो रहे हैं लेकिन कोई भी समाधान नहीं हो रहे हैं। इसी बीच यूएफबीयू ने कुछ दिन पहले ही एक सर्कुलर जारी किए थे, उसमें उन्होंने बताया सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कुछ दिन पहले एआईबीए स्ट्राइक भी बुलाए थे, लेकिन एआईबीए 24 घंटे पहले बता रहे हैं स्ट्राइक नहीं होगा, सब हाल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। सो यूएफबीयू आईबीए के साथ बंद कमरे में क्या बातचीत होता है वो किसी को नहीं मालूम, और उसके साथ साथ आईबीए आज तक सुप्रीम कोर्ट को कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं किए, और यूएफबीयू इसके बारे में अभी तक चुप है।